जलाओ ना, नहीं जलाए इसको भी जलाओ, इसको भी जलाओ, इसको भी जलाओ ना, एक साथ। बाप रे लगा। नमस्कार, सारिकाज वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को दिवाली और छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जानते हैं कि हमारा व्लॉग बहुत लेट आया है, बट ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं। हम एक्चुअली दिवाली के बाद छठ के प्रिपरेशंस में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे, इस वजह से हमें टाइम नहीं मिला। तो जब अब हम सब सारे फेस्टिवल्स से फ्री हो चुके हैं तो अब आपके लिए व्लॉग्स आते रहेंगे। तो जैसा कि हमें अपने प्रीवियस दिवाली हॉल वाला जो व्लॉग था उसमें बताया था कि हमने बहुत सारी तैयारियां की थी, बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी घर को सजाने के लिए। तो हमने जब मतलब जिस दिन दिवाली था ऑब्वियसली उससे पहले तो लाइटिंग वगैरह पूरी हो गई और पूजा था शाम में, तो पूजा थी लक्ष्मी गणेश की, तो वही सारी प्रिपरेशंस चल रही थी। अब देखिए क्या क्या चीज़ें रखी थी हमने और घर को भी बड़े अच्छे से सजाया था। तो आज हम वही सारी क्लिप्स आप सबके साथ शेयर करने वाले हैं एंड आई होप कि आपको वो सब पसंद आए। वीडियो के एंड तक देखिएगा क्योंकि ये जो आपने शुरुआत में वो जो धमाकेदार क्लिप देखी है आपको वो भी देखने को मिलेगा और प्लस वीडियो के एंड में एक बहुत ही प्यारा सा क्लिप है, तो एंड तक इस व्लॉग को ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर माँ जो है वो दिवाली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा की प्रिपरेशंस कर रही है और पूजा बहुत ही मतलब सिंपल तरीके से ही हुई थी, बहुत ज़्यादा हमने कुछ तामझाम ऐसा किया नहीं था। तो या तो येलो थीम को ध्यान में रखते हुए हमने ये सेंटर पीस सजाया था। तो इसमें हमने पीतल का प्लेट लिया था और उसमें हमने मेरी गोल्ड या गेंदा गेंदे के फूल के पेटल्स और चांदनी जो है वो फ्लावर्स इसमें डाल के ऐसे डेकोरेट किया था और बीच में मैं वो सेंटर पीस वो जो डेकोरेटिव पीस था वो मैंने लगाया था और इसके चारों तरफ ऐसे मैंने मिट्टी के दिए सजाए थे और उसमें मैंने इस बार डायरेक्टली बाती ना लगा के उसमें मैंने कैंडल्स डाले थे। तो ये एक तरीके से हमारे लिए अच्छा हो गया कि ये दिए जो हैं वो अब बच गए हैं, दे आर अनडिस्टर्ब, तो इसको हम नेक्स्ट ईयर भी यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। को क्या चाहिए बेटा, दिखाओ हमको क्या चाहिए, क्या चाहिए, और ये हैप्पी बैठा हुआ है और यहाँ पे नारियल के लड्डू हैं और ये खजूर हो गए, निमकी हो गई, ये सब ऐसे ही स्नैक्स के लिए मैंने बनाया था और हमने घर भी इस तरीके से डेकोरेट किया था। ये हैप्पी बेचारा एक तो पटाखों के की आवाज़ से इतना ज़्यादा डरा हुआ था कि वो शिवरिंग कांप भी रहा था, लेकिन इसको दिख गया था खाने का सामान तो ये वहाँ से हट भी नहीं रहा था, तो ये कांपे जा रहा था और खाए जा रहा था। ही वॉज बेसिकली स्ट्रेस ईटिंग। हैप्पी
हैप्पी के पहले हम लोग बहुत सारे पटाखे लेकर आते थे, बट जब से हैप्पी आया है तब से हमने पटाखे लाने बंद कर दिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम बस ये लाइट वाले पटाखे लाते, जैसे फुलझड़ियाँ हो गई, अनार हो गया, चकरी, बस हम यही पटाखे लेकर आते, क्योंकि ये सिर्फ लाइट वाले होते हैं और आवाज़ नहीं आती इनसे बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं इसलिए हंस रही थी क्योंकि हम लोग अपनी रंगोली देख रहे थे, जो मैंने रंगोली बनाई थी, बहुत ज़्यादा गंदी रंगोली बनाई थी, जो कि इस व्लॉग में डालने लायक नहीं है, तो मैंने वो क्लिप हटा दी। और बताइए मैडम, इसको कैसे सजाई है? इस सज्जन को क्या दिक्कत है? सर के पास कपड़ा नहीं है, इसीलिए। हैप्पी बाबू इधर आजा, आजा इधर आजा, नहीं डर बाबू, नहीं डरते, नहीं डरते। और ये खाने में माँ ने बनाया था मिक्स वेज बिना प्याज लहसुन के, और आंवले की चटनी थी और ओल की चटनी या चोखा आप जो बोलें, और फिर खीर थी, और इधर पूरी के लिए आटा गुथा हुआ है तो फिर पूरियां बनी थी। दिवाली के दिन पटाखे नहीं जला पाए थे हैप्पी की वजह से, तो हमने सोचा कि अगले दिन कुछ पटाखे जलाए थे, और उस दिन इधर करो ना, जलाओ ना, नहीं जलाए, इसको भी जलाओ, इसको भी जलाओ, इसको भी जलाओ ना, एक साथ। बाप रे, लगा हाँ? क्या हुआ हाँ? अंधेरा अंधेरा सा। अच्छा नहीं, आँख में। अरे ठीक है, हम ठीक है, हमको दिख रहा है, हमको दिख रहा है। व्यवस्थित के लिए हमको क्या पता जो बम फटने वाला है। बम फटने वाला है, जलाओ जलाओ। दो तो नहीं जलता था निधि, ठीक हो, दिख रहा है कान में? अरे ठीक है, हमको दिख रहा है, कान मुंह तो सर। हमको क्या पता जो ऐसा भला है, क्या बोले? वो तो अचानक से उतना लाइट पर भाई, सब ऐसा ऐसा अनार के नाम पे क्या दे दिया था? पढ़ी नहीं थी, पढ़ के होगा उसमें जरूर।
अनार में क्या चेंज आता है मम्मी? फॉल्टी बनाया था बताइए। हमको लगा गया है। इतना जल्दी गए। फॉल्टी अनार था। आंख चौंधी आ गया मेरा। हम नहीं जलाएंगे, जलो चलो ना फिर चलाते। तो इस एक्सीडेंट के बाद हमने सोचा कि हम मेला चलते हैं। तो हमारे घर के पास फील्ड है, वहाँ पे काली पूजा की जाती है, पंडाल बनाया जाता है। तो पिछले 2 सालों से तो हो नहीं रहा था, बट इस बार जो हुआ तो बहुत बढ़िया पूरा अरेंजमेंट था। और जैसा कि आप देख सकते हैं भीड़ भी बहुत थी। काली माँ की मूर्ति बड़ी ही सुंदर, बड़ी प्यारी, बड़ी भव्य, देख कर मन खुश हो गया। मेले में ये पंडाल के अंदर जब हम पहुँचे थे बहुत अच्छे टाइप पहुँचे थे, आरती हुई थी और ये ढाक बजाने उन्होंने शुरू किया था। और एंड में आप ये क्लिप ही देखेंगे जहाँ पे वो ढाक बजा के जो पुजारी थे उन्होंने जो वो डांस भी किया, बहुत ही सुंदर क्लिप है, मिस मत कीजिएगा प्लीज़। तो मेले में चहल पहल भी बहुत थी और मज़ा बहुत आया। और मैंने फुचका खाया क्योंकि उसके बिना तो कुछ भी खत्म नहीं होता। तो ऐसी रही हमारी दिवाली और आशा करते हैं कि आपके भी फेस्टिवल्स बहुत अच्छे बीते होंगे। और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें अपना प्यार देते रहें। और हम आपसे जल्द ही मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।